मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने एक बात बहुत, जो ये रोटेशनल इनर्शिया है, रोटेशनल इनर्शिया है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये केवल और केवल मास पर डिपेंड नहीं है, मास पर डिपेंड नहीं है, बॉडी के शेप साइज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड है। एक्सिस ऑफ रोटेशन आपने बदली और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदला, तो ये एक बॉडी, एक पैन है इसका। इसका कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कह सकते हैं कितना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस एक बॉडी के हजारों लाखों मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकते हैं। क्यों? एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल दी। अगर इसकी आप शेप साइज नहीं बदल रहे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास नहीं बदल रहे, तब भी इसके हजारों लाखों मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकते हैं। आपने एक एक्सिस ले ली जो यहां से पास हो रही है, इस टाइम मेरी मीडिया इसके अबाउट घूम रही, तो कुछ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्सिस आपने यहां ले ली, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और है। एक्सिस आपने ये ले लिया, अब ये बॉडी आपकी इस ग्रीन वाले पेन के अबाउट रोटेट कर रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया। आपने ये एक्सिस ले ली, ऐसे रोटेट कर रहा है पेन ये, तो कुछ और मोमेंट ऑफ, हजारों लाखों मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो फिक्स है हर बॉडी का, क्योंकि वो केवल और केवल मास ऑफ द बॉडी है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। ठीक है, अब यहां से एक नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी, एक नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी, उसे समझते हैं पहले। क्या आएगी वो फिजिकल क्वांटिटी? क्या फिजिकल क्वांटिटी आएगी वो? एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आपकी एक बॉडी रोटेट कर रही है, ये आपकी एक बॉडी है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर, ये एक बॉडी है रोटेशनल मोशन में है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्चुअल में इस बॉडी से भी पास हो सकता है, एक्चुअल में इस फिजिकल बॉडी के अंदर से भी पास हो सकता है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन बाहर भी हो सकता है। मैंने जानबूझकर बाहर बना लिया। ठीक है, अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका आप चाहे तो नाम लिख लें ए बी, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये पूरी बॉडी रोटेशनल मोशन में है, ये आपकी पूरी बॉडी रोटेशनल मोशन में है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से। ठीक है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से आपने इस बॉडी को डिवाइड किया इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और इस बार जो आप डिवाइड कर रहे हो, तो यहां हर एक पार्टिकल का मास आपने सेम रखा, मतलब इस पार्टिकल का मास कितना है m, इस पार्टिकल का मास कितना है m, इस पार्टिकल का मास कितना है m, लेकिन फिर भी इन सारे पार्टिकल्स की एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिफरेंट डिस्टेंस होगी। एक किसी की आर वन है तो किसी की आर टू है तो किसी की आर थ्री एंड सो ऑन, करेक्ट। अब आपने सारे पार्टिकल्स के मास और रेडियस वेडियस निकाल कर उनका मल्टीप्लीकेशन वगैरह किया, क्या किया आपने? आपने एम आर वन स्क्वायर कर, अच्छा पहले तो एक देखें कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन है यहाँ पर, कितने पार्टिकल्स हैं? एन पार्टिकल्स, तो इसका मतलब एम प्लस एम प्लस एम, और कितने इन्हें जोड़ दें? एन टाइम्स जोड़ दें इन्हें, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा? मास ऑफ बॉडी। ठीक है, मास ऑफ बॉडी कैपिटल एम लिख रहा हूं मैं इसे, एन इंटू स्मॉल एम। मास ऑफ बॉडी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू मास ऑफ ईच पार्टिकल। ठीक है, अब आपने सारी वैल्यूज ये सब्स्टिट्यूट कर ली, यहां से सब फाइंड कर लिया, और सारों को जोड़ करके आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। ठीक है, आपने सारी मेहनत कर ली, सब कुछ कर लिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लिया आपने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी कैसे? विद
एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास के एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन से आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लिया, कितना आया ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आया, ठीक है। वो चाहे आपने एंगुलर मोमेंटम से किया हो या काइनेटिक एनर्जी से किया हो, कैसे भी किया है, लेकिन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन ए बी के अबाउट, करेक्ट। अब आपने क्या काम किया कि इस पूरी की पूरी बॉडी का मास, पूरी की पूरी बॉडी का मास आपने सिर्फ एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर दिया। यहां कैसे कंसंट्रेट किया, कैसे इस बॉडी को सिकोड़ दिया आपने, कैसे क्या कर दिया, दबा दिया, फिलहाल हम उसमें नहीं पड़ रहे चक्कर में। पूरी जो बॉडी का मास था, जो डिस्ट्रीब्यूटेड था थ्री डायमेंशनली या टू डायमेंशनली, इस सारे मास को आपने कॉम्पैक्ट करके एक पॉइंट पर ला दिया, ठीक है। और अब आपने इस पॉइंट मास की, पॉइंट मास का डिस्टेंस रखा, डिस्टेंस चलो हम एक्स कह लेते हैं, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम एक्स स्क्वायर, है ना। पता चला ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया से तो अलग आ रहा है। किस मोमेंट ऑफ इनर्शिया से अलग आ रहा है, जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था अबाउट द गिवन एक्सिस विद एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वो नहीं आ रहा। तो अब क्या किया आपने, आपने क्या किया, इस एम को थोड़ा सा पास ले लिया, डिस्टेंस आपने सपोज यहां से एक्स एक्स डैश कर दिया, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से निकल कर आया एम एक्स डैश स्क्वायर। पता चला अब भी कुछ गड़बड़ है, अब भी वैसा नहीं है जैसा एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन से था, तो आप इसे क्या करते गए, आगे पीछे एडजस्ट करते गए इसे। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या करते गए, आप एडजस्ट करते चले गए इसको, आप इसे एडजस्ट करते चले गए, और एक सर्टेन डिस्टेंस के पर आपने लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और अब आपने देखा कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो एग्जैक्टली उतना ही बन गया जितना था इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास से जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा था, उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया पूरी बॉडी के मास को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करके, और इस पॉइंट मास को एक्सिस ऑफ रोटेशन से के डिस्टेंस पर रखकर, ठीक है। तो अब ये जो डिस्टेंस है आपकी के, ये जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के, इसका एक स्पेशल नाम है रेडियस ऑफ जी वाई आर ए टी आई ओ एन, इसे जायरेशन भी बोलते हैं, इसे गायरेशन भी बोलते हैं, दोनों ही वर्ड है इसके लिए। इसे क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ जायरेशन या रेडियस ऑफ गायरेशन, करेक्ट। हेडिंग डालते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन और रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ भी कहते हैं। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कॉमा वेयर इफ द होल मास, इफ द होल मास ऑफ बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड कॉमा द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी वुड बी द सेम एज दैट विद एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के।
लेट द बॉडी बी मेड ऑफ एन पार्टिकल्स ऑफ मास एम ईच। ठीक तो फिर मास ऑफ बॉडी कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू एन। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस आई इज इक्वल टू एम आर वन स्क्वायर प्लस एम आर वन स्क्वायर ठीक है। एन से मैंने मल्टीप्लाई किया और एन से ही डिवाइड कर दिया, ठीक है। एम इंटू एन क्या हो गया, कैपिटल एम। ठीक है, इफ के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन तो आई इज इक्वल टू क्या बनेगा, अब ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी बॉडी का, ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी बॉडी का है, तो क्या बना आपका के स्क्वायर इक्वल्स ठीक है। अब के की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, सिंपल सी बात है, के इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ अपॉन एन मीटर। तो क्या है ये, देखिए जरा ध्यान से, आपने स्क्वायर रूट लिया लेकिन स्क्वायर रूट लेने लिया किसका है, आपने स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी है ये एन क्वांटिटीज हैं, एन आइडेंटिटीज हैं ये, और एन से ही इसको आपने डिवाइड किया हुआ है, तो ये एवरेज है, एवरेज है ना, मीन मीन है ये, लेकिन मीन किसका है ना, रेडियस का नहीं है, स्क्वायर का रूट है, किसका रूट है, मीन का, मीन किसका है, तो फिर के को आप क्या कहेंगे, के किसके इक्वल है, के रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, रेडियस ऑफ जायरेशन इक्वल्स रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो पार्टिकल्स का डिस्टेंस है उन सबके स्क्वायर के मीन का रूट के इक्वल है रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट द गिविन एक्सिस इज इक्वल टू द रूट मीन स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन।